घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती हैं। जो नाकामयाबी को गले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता। का क्या कहना है? क्या इस फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी है? इस फिल्म का नाम सलार होने की क्या वजह है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति, और आज हम बात करने वाले हैं प्रभास की अपकमिंग फिल्म सलार से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। जल्दी आने वाली है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जबरदस्त फिल्मों का तूफान। KGF चैप्टर 2 में तो पहले से ही साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा कर रखा है, और उसके बाद ही अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा और प्रभास की आने वाली पिक्चर सलार भी लाइन में अपना नंबर लगाए खड़ी है। 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होने वाली ये एक्शन थ्रिलर फिल्म, जो सलार प्रशांत नील द्वारा लिखी और डायरेक्ट की जा रही है, इस फिल्म के प्रोड्यूसर विजय केरगुंदन होंगे और सलार को होमबेक प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा रिलीज किया जाएगा। फिल्म के लीड एक्टर प्रभास हैं पूरी तरह तैयार अपनी फाड़ू परफॉर्मेंस देने के लिए। सलार की शूटिंग 2021 के शुरुआत में ही शुरू हो चुकी है। सलार को लॉन्च करने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट 16 जनवरी 2021 को की गई थी, और उसके कुछ दिनों बाद ही इस फिल्म के कास्ट एंड क्रू के साथ बेहद एक्साइटमेंट के साथ 29 जनवरी 2021 को सलार की प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू हुई थी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक सलार की शूटिंग खत्म हो जाएगी और इस फिल्म के प्रोडक्शन को रैप अप कर दिया जाएगा, और अगले साल इस फिल्म थिएटर्स में बिल्कुल दिवाली में फोड़े गए बॉम्ब की तरह धमाका मचाएगी। सलार के मेकर्स हैं पूरी तरह से तैयार इस फिल्म को जल्द से जल्द बड़े पर्दे पर रिलीज करने के लिए। कन्नड़ और तेलुगु लैंग्वेज के साथ इस फिल्म को शूट किया जा रहा है। दिसंबर 2021 तक इस फिल्म की शूटिंग को खत्म करके फिल्म के मेकर्स अगले साल सलार के रिलीज के साथ आने वाले हैं। 14 अप्रैल 2022 को थिएटर्स में देखने को मिलेगी प्रभास स्टारर ये एक्शन थ्रिलर फिल्म, जो प्रभास के फैंस को फिर एक बार उनका दीवाना बना देगी। सलार एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब है कैप्टन या फिर लीडर, हिंदी में जिसे नेता भी कहा जा सकता है। सलार यानी एक ऐसा इंसान जो लोगों का नेतृत्व करना जानता हो। इस फिल्म में प्रभास का नाम होगा सलार, और वो एक लीडर के रूप में नजर आएंगे। यही वजह है इस फिल्म का नाम सलार रखा गया है, क्योंकि प्रभास के द्वारा एक नेतृत्व करता हुआ इंसान कैसा होना चाहिए वो इस फिल्म में दिखाया जाएगा। सलार की कहानी और प्रभास की इम्पैक्टफुल किरदार के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हमारी अगली वीडियो जरूर देखें। तो आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही, और हम फिर मिलेंगे आपके पास एक नई मूवी से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर को लेकर। तब तक आप देखते रहिए अपना मन पसंदीदा चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज, और आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।